हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पहले के वीडियोस प्रिफर कर लेना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको समझ आ सकेगा। तो प्लीज पहले आगे के वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो रिफर करना। ओके, तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बिजनेस एक्टिविटी को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है ट्रेड, सेकंड है कॉमर्स एंड थर्ड है इंडस्ट्री। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड क्या है। पहले ट्रेड सीख लेते हैं, उसके बाद कॉमर्स सीखेंगे और उसके बाद इंडस्ट्री। शॉर्ट में बताओ तो ट्रेड मीन्स लेन देन करना होता है। मैंने कुछ दिया और वहां से कुछ मिला, ट्रेड मीन्स लेन देन। अभी इसको हम सेंटेंस में समझते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मीन्स गुड्स। एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन अ रिटर्न ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन अ रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। समझ में? ट्रेड मीन्स सामान को देना दूसरे सामान के बदले या सामान को देना पैसे के बदले। मैं कुछ दे रही हूं और वहां से मेरे को पैसे मिल रहे, हम लोग ने एक्सचेंज किया, लेन देन किया, तो लेन देन करने को बोलते हैं ट्रेड करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन यू परचेज बुक फ्रॉम शॉपकीपर, हम बुक्स परचेस करते हैं शॉपकीपर के पास, वी पे मनी अगेंस्ट द परचेस ऑफ बुक। मैंने बुक परचेस किया शॉपकीपर के पास और बुक के बदले मैंने पैसे दिए, मेरे पास बुक आई और मेरे पास से पैसे गए, तो हमारा क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, लेन देन हुआ, तो वो लेन देन को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल दिए हैं। व्हेन वी परचेज बस टिकट, हम बस टिकट परचेस करते हैं एंड ट्रेवल बाय बस, वी गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विस, हमें क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। जब भी हम बस टिकट लेते हैं और बस के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो बस वाले ने हमें क्या दिया, सर्विस दिया, और हमने सर्विसेज के बदले क्या किया, मनी पे किया, है ना, वापस से लेन देन हुआ। बस वाले ने हमें सर्विसेज दी, हमने बस को पैसे दिए, तो वापस से एक्सचेंज हुआ। तो ट्रेड मींस एक्सचेंज करना, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना पैसे के बदले। ओके, क्लियर हुआ ट्रेड क्या है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे ट्रेड की। ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, अगर हमने कुछ लेन देन किया है और बीच में कैश आ गया, पैसे आ गए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देर आर टू पार्टीज इन ट्रेड। हाँ, ट्रेड करने में दो पार्टीज होती है ना, मैं अकेली तो लेन देन नहीं कर सकती हूँ। एक परचेसर होता है और एक सेलर होता है। परचेसर कुछ परचेस करता है और सेलर उसे देता है। ओके, एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। ट्रेड के अंदर एक्सचेंज होना जरूरी है। इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। ये फोर्थ सेंटेंस क्या बोल रहा है हमें, कि ट्रेड के अंदर ऑनरशिप एक्सचेंज हो जाती है। तो इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी मैंने किसी को बुक सेल की, तो पहले वो बुक्स मेरी थी, उसके बाद मैंने किसी और को बेची, तो वो बुक किसकी हो गई, वो लोगों की हो गई, है ना। मतलब पहले वो बुक की ऑनर मैं थी, मैंने उसको बेच दी, तो क्या वो बुक के ऑनर में रही, नहीं, जिसको बेची वो ऑनर बन गए। तो ट्रेड में क्या होता है, जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। फिफ्थ, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और अ गुड्स आर एक्सचेंज। हाँ, क्या बोल रहे यहाँ पे, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले या तो हमें पैसे मिलते हैं या तो सामने वाले भी हमें कुछ गुड्स दे देते हैं। ट्रेड इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, ट्रेड कंटिन्यूस एक्टिविटी है। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन अ टर्म ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स की वैल्यू है या जो भी सर्विसेज की वैल्यू है वो किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, मनी। मनी से डिसाइड करते हैं कि ये गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, किस पे डिसाइड करते हैं, मनी पे। ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी, ट्रेड क्या है, लीगल एक्टिविटी है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेड की। अभी हम देखेंगे कि ट्रेड के टाइप क्या है, लेन देन के भी टाइप है, लेन देन करने के टाइप क्या है हम सीख रहे हैं। ओके,
तो दो टाइप है ट्रेड करने के, एक है इंटरनल ट्रेड और सेकेंड है इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स अंदर अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कंट्री के बाहर. हम समझते, देखो ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री. अगर कंट्री कंट्री में ही लेन देन हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. एग्जाम्पल, हमने एप्पल मंगाया, कश्मीर से एप्पल आए हैं अहमदाबाद में. कश्मीर और अहमदाबाद दोनों इंडिया में ही है तो कंट्री के अंदर ट्रेड हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड. ओके, हमने ऑरेंजेस मंगाया है, ऑरेंज मंगाया नागपुर से राजकोट तो दोनों इंडिया में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. ओके, अभी इंटरनल ट्रेड के भी दो टाइप है, इंटरनल ट्रेड के भी दो टाइप है. कौन से, होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड कैसा होता है, जो एकदम ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं उसे बोलते हैं होलसेलर, है ना. होलसेलर कौन होता है, जो एकदम ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास से परचेस करता है उसे बोलते हैं होलसेलर. फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को दे देता है, दुकानदारों को दे देता है. ओके, तो होलसेलर क्या है, लिंक है. किसके बीच की लिंक है, प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है और रिटेलर, दोनों के बीच में की लिंक है. होलसेलर प्रोड्यूसर के पास से गुड्स को लेता है और रिटेलर को बेचता है. ओके, तो आपको समझ में, इंटरनल ट्रेड क्या है, इंटरनल ट्रेड मीन्स कंट्री के अंदर अंदर ही लेन देन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड के दो टाइप है, एक है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड मीन्स जो एक साथ परचेस करता है प्रोड्यूसर के पास से और बाद में क्या करता है, होलसेलर रिटेलर को देता है. तो हमारा इंटरनल ट्रेड एकदम क्लियर हो गया. अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कंट्री के बाहर अगर कुछ लेन देन हो रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. मीन्स हमने यूएसए से कुछ, इंडिया वालों ने यूएसए से कुछ परचेस कर लिया या यूएसए वालों ने इंडिया से कुछ परचेस किया. दूसरे कंट्री से कुछ लेन देन होता है, दूसरे कंट्री से अगर ट्रेड होता है तो हम उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड. अब ये इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब भी हम बाहर की कंट्री से इंडिया में कुछ लाते हैं, इंडिया के पास कुछ आता है तब हम उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड. जब भी हम इंडिया वाले कुछ बाहर की कंट्री में बेच रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट. इंडिया से बाहर की कंट्री में कुछ गुड्स जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट और आ रहा होता है इंडिया में उसे बोलते हैं इम्पोर्ट. री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, मीन्स मैंने जापान से परचेस किया, जापान से इंडिया के पास आया और इंडिया ने वही सेम चीज यूएसए को बेच दी. समझ में आया, मतलब मैंने पहले इम्पोर्ट किया फिर वही सेम चीज को एक्सपोर्ट कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट ट्रेड. पहले इम्पोर्ट फिर सेम चीज को एक्सपोर्ट तो उसे बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड. ओके, तो हमने क्या सीखा, ट्रेड क्या है सीखा. नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, कॉमर्स क्या है. कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. कॉमर्स क्या है, कॉमर्स भी ट्रेड है और ऑक्सिलरी सर्विसेज ट्रेड भी है, ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. अब ये ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होती है, वो सर्विसेज जो लेन देन करने में मदद करती है. ऑक्सिलरी सर्विसेज मीन्स सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती है. ऑक्सिलरी सर्विसेज में कौन सी चीजें आती है, तो बैंकिंग, बैंकिंग है तो ट्रेड में आसानी होगी. इंश्योरेंस, ये भी ऑक्सिलरी सर्विसेज में आती है. ट्रांसपोर्टेशन, यहां से वहां गुड्स लेके जाना है तो ये भी हेल्प करेगा. कम्युनिकेशन, ओके. वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या होता है, ऐसी प्लेस जहां पे हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं. अगर अभी हमें वो गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी जरूरत होगी तभी निकाल सकते हैं.
तो ये भी ऑक्सिलरी सर्विसेज में आता है। एंड एजेंट्स, जो डील करता है दोनों ट्रेडर्स के बीच में। ओके तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स ट्रेड है और ऑक्सिलरी सर्विसेज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। और ऑक्सिलरी सर्विसेज में क्या क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स। ओके हमें क्लियर हुआ कॉमर्स क्या है। अब हम कॉमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। अभी जो हमने किया था टॉपिक ट्रेड, ट्रेड क्या है? कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जहां का मीडियम क्या होता है? मनी। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्प करती है ट्रेड को। ये भी अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ऑक्सिलरी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो ट्रेड को हेल्प करती है, और जो किसमें इंक्लूड है? कॉमर्स में इंक्लूड है। ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेट्रा। इट इंक्रीज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। अब ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है जो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है, वो क्या करता है? हमें सेटिस्फेक्शन देता है। कौन सा? प्लेस एंड टाइम का। प्लेस का कैसे? अगर हमें गुड्स यहां से वहां लेके जाना है तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी सर्विसेज का पार्ट है। और ऑक्सिलरी सर्विसेज कॉमर्स में आता है। टाइम, टाइम का कैसे होता है? अगर हमें इतना प्रोडक्ट अभी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? गोडाउन में स्टोर करके रखेंगे। गोडाउन किसका सर्विस है? ऑक्सिलरी सर्विसेज का पार्ट है गोडाउन। और ऑक्सिलरी सर्विस किस में आता है? कॉमर्स में आता है। ओके तो कॉमर्स की हेल्प से हम लोग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूज, है ना? हमने ट्रेड में भी पढ़ा था, ट्रेड क्या है? कंटिन्यूज एक्टिविटी है। वैसे ही ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या है? कंटिन्यूज है। इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रिजनेबल प्राइस, अगर ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और भी वेयर हाउसिंग, ये सब अगर रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा तो गुड्स हम लोग कस्टमर तक फेयर प्राइस में पहुंचा सकते हैं। गुड्स कैन बी सप्लाई टू कस्टमर एट अ फेयर प्राइस। समझ में आया? अगर हमें ऑक्सिलरी सर्विसेज फेयर प्राइस में मिलेगा, एकदम रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो हम लोग कस्टमर तक गुड्स फेयर प्राइस में पहुंचा सकते हैं। ओके यहां पे हमारा कॉमर्स खत्म होता है। अभी जो हमने पढ़ा है ट्रेड एंड कॉमर्स, उसका डिफरेंशिएट डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है ट्रेड और कॉमर्स में। ओके फर्स्ट मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, मनी के बदले गुड्स एंड सर्विसेज, ये है ट्रेड। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में ट्रेड भी इंक्लूडेड है एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। ओके स्कोप, ट्रेड का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, पर कॉमर्स का जो स्कोप है वो वाइडर है। ये जो ट्रेड है वो भी कॉमर्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो कॉमर्स का स्कोप क्या है? वाइडर है ट्रेड के कंपेयर में। पार्टीज, ट्रेड में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है वो एक दूसरे को मोस्टली जानती होती है। ओके पर कॉमर्स में उन लोग ऑक्सिलरी सर्विसेज ले रहे होते हैं, पर तो भी जो दो पार्टीज है वो एक दूसरे को नहीं जानती है। ओके ये डिफरेंस है ट्रेड एंड कॉमर्स का। नेक्स्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड बनाते हैं जो कस्टमर कंज्यूम कर सके। ओके इंडस्ट्री एक प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड बना सकते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं जिसका कंजम्पशन कौन करते हैं? कस्टमर करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते तो आपको इंडस्ट्री और क्लियर होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़े से फर्नीचर बनाना, ये क्या है? इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
क्लोथ फ्रॉम रॉ कॉटन, कॉटन से क्लोथ बनाना, ये क्या है? इंडस्ट्री है. ओके, इंडस्ट्री में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है. इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. चेंज इन अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और डिफरेंट आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है. इंडस्ट्री किसकी हेल्प लेता है? तो ह्यूमन लेबर की हेल्प लेता है, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करता है, मशीन्स का यूज करता है. ओके, क्लियर हुआ ये सब चीजें कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाता है, ह्यूमन लेबर का यूज करता है इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करता है और मशीन्स का यूज करता है. अब हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन. इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया है तीन चीज में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री. ओके, हम एक एक को समझते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री, अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर. प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है जो डायरेक्ट सी से कनेक्ट होती है, लैंड से कनेक्ट होती है और एयर से. मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री जो सीधा नेचर से कनेक्टेड होती है. प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होती है. प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन नेचर. अच्छा चलो, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड होता है? नेचर पे डिपेंड होता है. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हम फर्नीचर बनाते हैं वुड से. वुड कहां से आता है? ट्री से. ट्री क्या है? नेचर है. ओके, तो नेचर से आई हुई चीजें उसे हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर, वो भी नेचर पे होता है. एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड. ये सब चीजें लैंड से कनेक्टेड है और लैंड क्या है? नेचर में आता है. फिशरीज इज कनेक्टेड विथ सी. सी किस में आता है? नेचर में आता है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर के साथ कनेक्टेड होती है. नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में मशीन्स यूज होती है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है. ये क्या करता है? हियर द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस्ड टू मेक इट कंज्यूमेबल एंड इट सप्लाई टू द कस्टमर. यहाँ पे क्या होता है? जो भी नेचुरल वेल्थ है, जो भी नेचर की चीजें है, उसको कन्वर्ट करते हैं और ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि कंज्यूमर यूज कर सके. सेकेंडरी इंडस्ट्री में मशीन्स यूज होती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है और जो भी हमारी नेचर की चीजें होती है उसको उन लोग कन्वर्ट करके ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको हम लोग कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट, टर्शियरी इंडस्ट्री. अब ये क्या है? इट हैज अ वाइडर स्कोप. इसका स्कोप क्या है? ज्यादा बड़ा है. ये हेल्प प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करती है. ओके, और कस्टमर के बहुत क्लोज है ये इंडस्ट्री. ओके, टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. ये तीनों को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी. प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं, वो क्या आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री. गेहूं का प्रोडक्शन वो किससे होता है? लैंड पे होता है. लैंड आता है नेचर पे. तो ये क्या हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज अ सेकेंडरी. अभी व्हीट से आटा बनाना, ये क्या हुआ? सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री. अभी वो आटे से ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, ये कौन सी इंडस्ट्री हुआ? टर्शियरी इंडस्ट्री. तो ये तीनों क्लियर हुआ. व्हीट, गेहूं को, गेहूं का प्रोडक्शन प्राइमरी, गेहूं को आटा बनाना सेकेंडरी और आटे से ब्रेड बिस्किट बनाना टर्शियरी इंडस्ट्री. तो क्लियर हुआ ये तीनों इंडस्ट्रीज. ओके, थैंक यू.